मैं थिएटर में बहुत कम आता हूँ, ये पहली बार मैं हम साथ में आए हैं और फिल्म देखने के लिए। जुल्म नहीं कर रहा हूँ, कुछ अपने आप से मुलाकात नहीं होती है और अपने आप से मुलाकात होगी तो गैरों से मुलाकात हो जाएगी, चाहने वालों से मुलाकात हो जाएगी। पहले क्या सीक्वल बनते नहीं थे और पहले सीक्वल वो कामयाब नहीं होते थे, आजकल सीक्वल कामयाब होने लगे हैं। और जैसे अभी इनकी फिल्म है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉम्बे, वंस अपॉन अ टाइम पार्ट 1 पार्ट 2, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सीक्वल जो हैं कामयाब होने लगे हैं, तो उसका कोई काल नहीं पड़ा है। काल पड़ा है असल में लफ्ज़ों का और जुमलों के इस्तेमाल का। मेरे जज्बातों से खेल रहे हैं आप। अभी देखिए जज्बा, जज्बात दो उसका प्लूरल होता है और जज्बातों जो है वो प्लूरल और प्लूरल जो रॉन्ग है। जो भी फिल्म करूँ यार काम है, चाहे अगर मैं कोई मोबाइल की फिल्म करूँ, बट यार इट्स अ फेदर इन माय हैट एंड आई वाज प्रिविलेज्ड इनफ कि आई डिड दिस मूवी। मुझे मौका मिला है काम करने का, लाइव प्रोडक्शन। पूछिए। मिलिंद सर से पहली बार काम किया, अक्षय सर के साथ पहली बार काम किया। मैं यहाँ काम करने आया, मुझे सबके साथ काम करना है। काम अच्छा कर रहा है ये, और जहाँ मैंने गाड़ी छोड़ी थी वहाँ तक पहुँच जाएगा ये बहुत जल्द और उसके बाद फिर ये आगे बढ़ेगा। ये मेरे साथ प्ले में काम करता है ना, मैं एक्चुअली इन्हीं का असिस्टेंट हूँ। ही इज माई स्टूडेंट ओनली, और एक्चुअली इसलिए मैं इनको लेके आया हूँ कि आई वांट माय टीचर टू सी माय मूवी एंड से हाउ ही फील्स अबाउट द मूवी। परफेक्ट स्क्रिप्ट तो होती है मगर स्क्रिप्टिंग की जो अलिफ बे है उसमें फ़र्क है। जो जहाँ पर हमने गाड़ी छोड़ दी थी ये लोग वहीं से उसकी गाड़ी का पेट्रोल लेके लोग अपनी गाड़ियों को चला रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मुश्किल है, मेरा ख्याल है मुझे एक चंद साल के लिए और आना होगा और थोड़ा सा काम करना होगा ताकि अपने एक इंस्टीट्यूशन बनाऊं, क्योंकि सब एक्टर नहीं बन सकते। मेरा एक मानना है कि सब लोग एक्टर नहीं बन सकते। अगर सब एक्टर बनेंगे तो राइटर कौन बनेगा, डायरेक्टर कौन बनेगा, स्क्रीन पे राइटर कौन बनेगा। और इसीलिए मैंने एक बेटे को तो एक्टिंग की इजाज़त दे दी, ये अपने काम कर रहा है। दूसरा बेटा जो है वो डायरेक्टर भी है, राइटर भी है, शाहनवाज। जो भी अच्छा काम करता है वो मेरा फेवरेट है। अच्छा काम करना ज़रूरी है और जिसको काम नहीं आता है वो अच्छा नहीं, वो सुपरस्टार हो सकता है, अच्छा नहीं होगा। कोई जैसे मैं अमिताभ बच्चन के एक मिसाल दूँ कि अमिताभ बच्चन एक ऐसा आदमी था जिसने जिंदगी में कभी लेट आना सीखा ही नहीं। वो 8 बजे का बोलता था तो 8 बजे में 5 मिनट कम होते थे और वो सेट पे होता था विद मेकअप। और यही देखा देखी जितेंद्र में थी क्वालिटी। ये दोनों के साथ मैंने बहुत काम किया, बेतहाशा काम किया। मेरी ये लाइफ पे एक फिल्म, एक किताब लिखी जा रही है, वो आप लोग पढ़ लेंगे। फ़हीम रोहानी जो एक राइटर है, कैसे फिल्मों से, एजुकेशन से फिल्मों की तरफ आया और उसमें सब लिखा हुआ है। एक बार मैं आ जाऊंगा तो थोड़ी दिन मुझे दिक्कत करनी पड़ेगी, अपनी फिल्में बनानी पड़ेंगी। इनको बोलूँगा कि प्रोड्यूस करो और मुझे छूट दो, और ताकि मैं कुछ लिखूं और एक्टिंग करूं। तो जब ये लोग मुझे पुश करेंगे तो मैं कुछ करूंगा, और आपको पता चल जाएगा कि कितना मैं कामयाब काम कर रहा हूं और कितना सही काम कर रहा हूं और कितना गलत काम कर रहा हूँ।